इजराइल मिडिल ईस्ट का बहुत ही विकसित देश है। 1947 से पहले मिडिल ईस्ट में इजराइल नाम का कोई देश नहीं था और तब इजराइल फलस्तीन के नाम से जाना जाता था। 1947 में यूनाइटेड नेशनल के जरिए इजराइल का संगठन हुआ था, लेकिन अरब लोगों को अपनी जगह पे इजराइल का प्रस्तावन पसंद नहीं आया, इसलिए 1947 से एक जंग छिड़ गई जो आज तक चल रही है। इजराइल का एक शहर जुजलिमा दुनिया में बहुत ही पवित्र शहर माना जाता है और यहाँ यहूदी ईसाई और मुसलमानों के लिए बहुत ही पवित्र है, इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा विवाद इस शहर को लेकर हुआ और यह विवाद आज भी चल रहा है। इजराइल में दो तरह के लोग रहते हैं, एक जुड़ाई इंजन के माने वाले जो यहूदी धर्म का बहुत ही अच्छे तरीके से पालन करते हैं और दूसरा जैजिन के मानने वाले जो खुद को मॉडल बताते हैं और यहूदी धर्म का पालन नहीं करते। इजराइल में डाटा सी नाम का समुद्र पाया जाता है जहां नमक की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा है कि वहां कोई भी आदमी नहीं डूबता है। अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे ज्यादा कंपनियां इजराइल में बनाई गईं। इजराइल में लगभग 3,500 से ज्यादा टेक कंपनियां हैं। मोटरोला का पहला फोन वॉइस टेक्नोलॉजी इजराइल में ही बनी। दुनिया का सबसे पहले एंटीकारस इजराइल में ही बना। इजराइल दुनिया का सबसे पहला देश है जहां कम वजन की मॉडल का आविष्कार किया गया। कॉलेज में पढ़ने के दौरान इजराइल के हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग करनी होती है। इजराइल एकमात्र देश है जहां सबसे ज्यादा लड़कियां कमांडोज की हाई पोस्ट में रखी जाती हैं। इजराइल एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा महिला लॉयर्स पाई जाती हैं। ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के बाद इजराइल एक ऐसा देश है जहां पर लिखित संविधान नहीं है। अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए इजराइल दुनिया में दूसरा देश है जहां सबसे ज्यादा किताब छापी जाती हैं और दुनिया के सबसे ज्यादा कंप्यूटर मौजूद हैं। ज्यादातर अरब और मुस्लिम मुल्क के द्वारा इजराइल पे बैन लगा दिया गया। इसका मूल कारण है इजराइल के दौरान बच्चों पर हो रहे अत्याचार। इजराइल हमेशा के बच्चों पर जुल्म करता रहता है। पिछले कई सालों में इजराइल ने लगभग 15,000 से अधिक बच्चों को बिना वजह मार दिया। इजराइल हमेशा बमबारी करता रहता है। यह थी एसएम न्यूज रिपोर्ट।